हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे मालदीव्स के ट्रैवल एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली माले सिटी के बारे में। मोस्टली इस वीडियो में मैं कवर करूंगी आप कहाँ रुक सकते हो, लाइक कौन सा एरिया या कौन सा होटल और कौन कौन सी साइट सीइंग प्लेसेस है, कौन सा रेस्टोरेंट्स है जो थोड़े अच्छे हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं शॉपिंग वगैरह, एंड कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हो, प्लस वहाँ पे कैसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो लाइक कार्ड और कैश व्हाटएवर। सो इस वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करूँगी मैं। सबसे पहले होटल की बात करते हैं, तो होटल आप दो जगह कर सकते हो, या तो आप माले सिटी में कर सकते हो और या तो होलोमाले आइलैंड पे कर सकते हो। ये दोनों ही एरियाज़ जो है वो एयरपोर्ट के पास में हैं और दोनों ही ब्रिज से कनेक्टेड है एक दूसरे से। हमने जो होटल किया था वो होलोमाले में किया था क्योंकि हमें थोड़े बजट ऑप्शंस वहाँ पे मिल गए थे। हमने जो होटल बुक किया था उसका नाम है होटल लोनू वैली। यहाँ पे हमको टैरिफ कंपैरेटिवली कम लगा और प्लस ये लोग एयरपोर्ट ट्रांसफर्स भी हमको दे रहे थे, लाइक टू एंड फ्रो एयरपोर्ट ट्रांसफर भी प्रोवाइड कर रहे थे इंक्लूडिंग द टैरिफ, तो वो एक प्लस पॉइंट था। जैसे ही आप बाहर निकलोगे एयरपोर्ट से तो आपको होटल की तरफ से एक बंदा आ जाएगा पिकअप करने के लिए। अभी हम लोनू वैली होटल की तरफ से एयरपोर्ट पिकअप के लिए वेट कर रहे हैं। उन्होंने हमको आधे घंटे का टाइम दिया है कि आधा घंटा आपको लगेगा पिकअप के लिए, तो अभी हम गर्मी में परेशान हो रहे हैं। तो जो आधे घंटे का वेटिंग पीरियड था उसमें हमने ऐसे ही एयरपोर्ट का चक्कर मार लिया। तो यहाँ से जो ये ट्रांस मालदीवियन एयरवेज है वहाँ से सी प्लेन्स वगैरह जाते हैं, और जैसे ही आप एयरपोर्ट के थोड़ा और बाहर निकलोगे तो आपको ये साइन बोर्ड मिलेगा मालदीव्स का, यहाँ पे बन मस्त फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं फॉर मेमोरीज़, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। थोड़ी देर में हमारी कैब आ गई, तो बस ये भैया हमको अभी कैब तक लेके जा रहे हैं। और आप जो राइट में देख रहे हो ये फेरी टर्मिनल है, ये जो है ये हुलहुल आइलैंड है जहाँ पे एयरपोर्ट है। अगर आपको माले जाना है या तो यहाँ से कोई दूसरे आइलैंड जाना है तो आप यहाँ से फेरी कर सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट फेरी मिलती है। और यहाँ लेफ्ट में आपको कैब्स मिल जाएगी, अगर आपको फेरी करके नहीं जाना है, अगर आपको कैब करके माले जाना है तो आप इससे यहाँ से जा सकते हो। हुलहुल माले के लिए भी आपको यहीं से कैब मिलेगी। और यहाँ पे ना फ्लैट प्राइसेस रहते हैं, ऐसा कुछ बार्गेनिंग वाला सिस्टम नहीं रहता है। चलिए, हमारी कैब आ चुकी है, हम निकलते अपने होटल के लिए। हमारे टैरिफ में जो है एयरपोर्ट पिकअप इंक्लूडेड था, तो इसके लिए हमें कोई चार्जेस एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़े। तो यही वो ब्रिज है जो मैं आपको पहले बता रही थी जिससे माले सिटी और होलोमाले जो है कनेक्टेड है। तो होलोमाले आइलैंड कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी छोटी छोटी कॉम्पैक्ट बिल्डिंग्स है और जो भी मोस्ट ऑफ द होटल्स है सारी बीच फेसिंग है, और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है आसपास। इस वीडियो में मैंने आगे माले सिटी भी कवर किया है, तो उस एरिया के कंपेरिजन मुझे ये वाला एरिया ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पे सामने बीचेस है और वहाँ पे खाना अच्छा है, तो थोड़ा ट्रेड ऑफ है, जो आपको प्रेफरेंस लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। चलिए, हमारा होटल आ चुका है, अब ऊपर चल के रूम बताते कैसे है। मैंने इस होटल की बुकिंग अगोड़ा से करवाई थी और उसका सी व्यू रूम का टैरिफ मुझे 4500 रुपीज़ पड़ा था। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ता है जो कि $3 होता है पर डे पर पर्सन। तो अगर आप दो लोग आ रहे हो तो आपको $6 देना है, और दो दिन के लिए रुक रहे हो तो 6 × 2 = $12 देने रहेंगे। अमाउंट अपन को डायरेक्टली रिसेप्शन पे देना होता है इन कैश और कार्ड। बाय द वे, इस होटल में लिफ्ट नहीं है तो आपको पैदल ही सेकेंड फ्लोर तक जाना रहेगा। चलिए, ये सी व्यू रूम को अंदर से देखते कैसा है। तो रूम काफ़ी डिसेंट है, क्लीन वगैरह तो ठीक है, और ये मस्त एक बालकनी है जहाँ से कि आपको मस्त सामने बीच दिखेगा, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट लगा मुझे। बहुत ही शानदार व्यू दिखता है यहाँ से, और जब हम रुके थे तब थोड़ी बारिश भी आई थी तो अब भी बहुत ही शानदार लग रहा था, तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इस रूम की। दो लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छा रूम है, थोड़ा छोटा है लेकिन ऑफकोर्स सिर्फ एक दो दिन की बात है तो चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब दिया हुआ है, यूनिवर्सल चार्जर है, USB चार्जर्स भी है, तो चार्जिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। बाथरूम भी सही था, मतलब क्लीन एंड टाइडी, एवरीथिंग वाज ओके। टॉवल्स और टॉयलेट्रीज वगैरह सब दी हुई थी यहाँ पे, लाइक बेसिक टॉयलेट्रीज लाइक शैम्पू एंड सोप एंड टूथब्रश पेस्ट, ये सब चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा पानी की बॉटल और टी कॉफ़ी सैशे, ये सब भी चीज़ें दी हुई थी रूम में। सो ओवरऑल इस रेंज में ठीक ठाक रूम है। थोड़ा फ्रेशन अप होके हम निकल गए इवनिंग में वॉकिंग करने के लिए, आसपास का नेबरहुड एक्सप्लोर करने के लिए। जिस टाइम हम गए थे अप्रैल में, उस टाइम रमज़ान का महीना चल रहा था, एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मालदीव्स जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे रमज़ान लाइक प्रॉपर सभी लोग दुकानें वगैरह सब बंद कर देते हैं उस टाइम पे, और कुछ कुछ टाइम के लिए शॉप्स ओपन रहती है, मैक्सिमम टाइम के लिए शॉप्स बंद ही रहती है। तो बेसिकली हमने शॉपिंग यहाँ से कुछ भी नहीं करी क्योंकि कोई शॉप्स ही ओपन नहीं थी।
टहलते टहलते ही हम आ गए इस रेस्टोरेंट में टी टाइम्स। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक मालदीवियन खाना मिल जाएगा, लाइक चावल और करी, मालदीवियन करी, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं स्टार्टर्स में और स्वीट डिश में, जो कि यहाँ के ऑथेंटिक मालदीव्स का जो खाना रहता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और काफ़ी रिजनेबली प्राइस्ड है। हर टाइप की करी और स्टार्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको पेयर अप करने के लिए आप चावल के साथ खा सकते हो। हमने यहाँ पे एक प्लेट राइस और मालदीवियन करी, एक आध स्टार्टर और दो स्वीट्स लिए थी, और आप मानोगे नहीं, हमारा बिल सिर्फ 200 रुपीज़ हुआ था इन इंडियन रुपीज़। सो एक आध बार ऐसे ट्राई करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली है, जैसे कि ये भैया जो है ये बांग्लादेश से है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमको सब एक्सप्लेन किया कि क्या आइटम्स है। सो यार डेफिनेटली यहाँ पे एक बार तो आ ही सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्यूट क्यूट से बहुत सारी कैट्स हैं, ये तो बहुत ही छोटी वाली है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैट्स हैं। अभी और भी देखो, ये भी एक स्ट्रीट पे, इतनी सारी कैट्स हैं यहाँ पे, इतनी क्यूट लग रही है, और कुछ परेशान भी नहीं कर रही है, आराम से अपनी बैठी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम मनी एक्सचेंज कराने के लिए आए। हम इंडिया से कोई भी करेंसी लेके नहीं आए थे, ना USD ना MBR। तो हमने यहीं पे, ये जो न्यू टाउन इन है, ये बॉम्बे दरबार के जस्ट पास में है, बॉम्बे दरबार रेस्टोरेंट के पास में है, तो हमने यहाँ से मनी एक्सचेंज करवाया है, और काफ़ी सही रेट पे उन्होंने एक्सचेंज किया है, मतलब 5 अराउंड गूगल पे रेट है, और उन्होंने 5.55 के हिसाब से कुछ एक्सचेंज किया है। तो हमने 2,000 रुपये एक्सचेंज किए हैं, तो वो भी उन्होंने कर दिया है, ऐसे कुछ मिनिमम अमाउंट नहीं है। सो यहाँ पे आके अपन करवा सकते हैं, अपने को USD या MBR लाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया से। वैसे तो यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं हर रेस्टोरेंट वगैरह में, बट जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह है, या हमें एक मालदीवियन किचन करके एक रेस्टोरेंट जाना था, तो वहाँ पे भी वो कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा 360 रुपया MBR हमने एक्सचेंज करवाया है। जितना चल जाएगा ठीक है, बाकी कार्ड से तो पेमेंट हो ही रहा है। हमारे होटल के पास एक बीच है, वहाँ पे हम बैठे अभी ऐसी रात में। इसी के साथ हमारा पहला दिन ख़त्म होता है मालदीव्स में। कल हम जाएंगे माले सिटी घूमने के लिए। यहाँ होटल लोनू वैली में आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलेगा, ज़्यादा आइटम्स नहीं है, लिमिटेड ही है, बट जो भी है अच्छा है। कोशिश कीजिएगा ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी आए, क्योंकि ये लोग रीफिल नहीं करते हैं, जो ख़त्म हो जाता है फिर वो ख़त्म ही हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। काफ़ी अच्छा नेबरहुड है, इतने अच्छे, मतलब स्ट्रीट्स काफ़ी क्लीन हैं, और आसपास फुटपाथ बने हुए, तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है कि ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर ऐसे वॉक पे निकलिए, बहुत ही अच्छा लगता है। घूमते घूमते हमको ऐसे सुपरमार्केट दिख गया ये, तो हम ऐसे ही घुस गए अंदर देखने के लिए कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है और क्या क्या प्राइसेस रहते हैं, कुछ नया आइटम है क्या, ऐसा सब एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल गए इस मॉल में। क्लिनिक प्लस, अभी देखिए क्लिनिक प्लस की बॉटल 52, ये रुपीज़ लिखा हुआ है 145। इंडिया से आया क्या माल? इंडिया से आया और ये 52, मतलब कि 250 रुपये का मिल रहा है यहाँ पे। हम तो 145 रुपये दे देंगे। तो थैंक यू जो करेंसी में। मॉल में टाइम पास करने के बाद हम यहाँ बीच के किनारे आ गए थोड़ा रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आसपास आपको काफी सारे अच्छे फोटो स्पॉट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज खिंचवाने के लिए। दोपहर में हम निकलने ही वाले थे माले सिटी जाने के लिए, और उतने में बारिश शुरू हो गई। वैसे बारिश में नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, बालकनी से बैठे बैठे इतना अच्छा लग रहा है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आते जाते आप ऐसे सी प्लेन्स पे यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो। दूसरे दिन के लिए मैंने डीलक्स रूम बुक किया था, और ये वाला रूम भूल के भी मत कीजिएगा, बहुत ही पैथेटिक रूम है, एकदम बिल्कुल कोई वेंटिलेशन नहीं है, बहुत ही स्मेली है। तो अगर आपको सी व्यू रूम मिलता है तो ही होटल बुक कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, बहुत ही ख़राब रूम है। चलिए बारिश रुकने के बाद हम निकल गए माले सिटी जाने के लिए। ये जो बस मेरे पीछे जा रही है, हम वैसे ही बस में ट्राई करेंगे जाने के लिए, अदरवाइज़ कैब तो मिल ही जाती है यहाँ पे। हमने थोड़ी देर वेट किया और बस नहीं आई, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, और फिर बारिश भी वापस शुरू हो गई थी, तो हमने फिर कैब ही कर ली। तो कैब के फिक्स प्राइस होते हैं,
होलू माले से माले सिटी अगर आपको जाना है तो 85 रुपया लगता है, और यहाँ पे आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। सो माले सिटी में हमारा पहला स्पॉट था वो था नेशनल म्यूज़ियम। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, सिंस ये रमज़ान का महीना चल रहा है तो यहाँ पे टाइमिंग्स कुछ फिक्स ही नहीं है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद होता है, तो इसलिए हमको तो ये अभी बंद मिला। लेकिन ये एरिया बहुत सही है, अगर आपको कुछ सुवेनियर शॉपिंग करनी है तो ये एरिया मस्ट विज़िट है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है, और यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई स्नॉकलिंग गियर या ऐसा कुछ ख़रीदना है तो वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये सुवेनियर शॉप हमको दिखी जिस पे 50% डिस्काउंट का बोर्ड लगा था, तो हम चले गए अंदर देखने के लिए। काफ़ी अच्छे आइटम मिल रहे थे यहाँ पर डेकोर की, या पर्स भी काफ़ी अच्छे थे, ज्वेलरी जैसे ये ब्रेसलेट है फॉर एग्जांपल, तो ये अराउंड 400 MVR का था, और सभी आइटम्स जो थी वो 400-500 के ऊपर ही थी। इसी एरिया में आप मालदीव्स की सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी देख सकते हो, लाइक पुलिस हेडक्वार्टर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मालदीव्स एंड प्रेसिडेंशियल पैलेस एक्सेट्रा। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये यहाँ का फेरी टर्मिनल है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये प्रेसिडेंट ऑफिस है, तो काफ़ी अच्छा है, लाइक एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। यहाँ पे गलियाँ थोड़ी छोटी छोटी है, लेकिन अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो फुटपाथ्स बने हुए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ड्राइव करने में थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। ये जो सामने ब्लू एंड वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ये काफ़ी यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छे आते हैं। टहलते टहलते हम एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए, साला थाई। इसके हमने रिव्यूज़ भी देखे थे गूगल पे, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाके कुछ ट्राई किया जाए। सो बेसिकली थाई रेस्टोरेंट है, ऐसा नेम सजेस्ट। अभी हम पूछते हैं कि क्या क्या मेन्यू में है। कार्ड से पेमेंट हो जाएगा? कहीं 1100। थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइजेशन लगाने के बाद हमने ऑर्डर किया ये फ्राइड राइस, जो कि टेस्ट में तो अच्छा था लेकिन पॉकेट पे काफ़ी भारी था। थोड़ा खाना खाने के बाद हम निकल गए विक्ट्री मॉन्यूमेंट और सुल्तान पार्क की तरफ। तो आप जो राइट में देख रहे थे वो विक्ट्री मॉन्यूमेंट है, और ये जो लेफ्ट में है वो सुल्तान पार्क है। इसी के पास में ये इस्लामिक सेंटर भी है। सो बेसिकली तीनों ही जगह एक सर्कल में है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास मोबाइल डेटा पैक नहीं है तो आप जो गूगल मैप है उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है नेविगेट करने के लिए। मार्केट देखते देखते हमको एक बेकरी मिली जिसका नाम है सिटी बेकरी। यहाँ पे बहुत अलग ही टाइप के आइटम्स अवेलेबल है जो जनरली इंडिया में हमको नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे आके आप दो चार आइटम ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी और डिफरेंट रहती है और काफ़ी रिजनेबली प्राइस्ड भी है। बहुत सारे लोकल्स भी यहाँ पे बेकरी आइटम्स लेने के लिए आ रहे थे, तो आई एम श्योर ये काफ़ी पॉपुलर जगह है। अभी हम पैदल पैदल आर्टिफिशियल बीच तक जाएंगे, और बीच में आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी, और ये जो पानी है काफ़ी साफ रहता है, तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सारी फिश वगैरह भी स्पॉट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ये किंग सलमान मॉस्क दिखेगा, काफ़ी आई कैचिंग है, काफ़ी डिफरेंट आर्किटेक्चर है इसका। जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस, जब आप यहाँ पे आते हो थोड़े डिसेंट कपड़े पहन के आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सिटी एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह इतने घूमते हो आपको दिखेंगे नहीं, तो आई रिकमेंड कि थोड़े मॉडर्न कपड़े ही पहन के आए। चलिए पैदल पैदल हम आ गए इस आर्टिफिशियल बीच पे। ये किंग सलमान मॉस्क के जस्ट बगल में ही है, मस्त आप यहाँ पे थोड़ा बैठ के रेस्ट कर सकते हो और थोड़ा ये नेचर वगैरह इन्जॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से भी, आपको ब्रिज वगैरह दिख रहा है, पानी इतना ब्लू है, तो अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं थोड़ा, आधा घंटा अराउंड। अब हम रिटर्न जाएंगे अपने होटल की तरफ, क्योंकि अराउंड 6 बज चुका है,
इस बार हम बस से जा रहे हैं। सो हम बस में बैठ चुके हैं। इस बस में कोई बस पास नहीं लगता है और कोई, ये लोग कैश भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको जो है अपने कार्ड में टैप इनेबल रखना पड़ेगा, तभी वो आप इसमें ट्रांजेक्शन कर पाओगे। और माले से हुलू माले जाने के लिए आपको 10 MVR का टिकट लेना पड़ेगा। सो या काफ़ी चीप है और काफ़ी कन्वीनियंट भी है। और ये डबल डेकर बस है और काफ़ी ईजीली आपको सीट मिल जाती है, बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है। और ये जो बस है, हमने मॉस के पास में एक बस स्टॉप था वहाँ से करी थी, तो काफ़ी ईजीली आपको स्पॉट हो जाएगा कहाँ पे बस स्टॉप है और कहाँ बस रुकने वाली है। कैब के कंपैरेटिवली मुझे बस ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी स्मूथ राइड रहती है और काफ़ी रिजनेबल भी एज़ कम्पेयर टू कैब। अगर आप बस से आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपर डेक पे बैठो, क्योंकि वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। होलोमाले में आने के बाद हमने एक श्रीलंकन रेस्टोरेंट में डिनर किया जिसका नाम था कैफ़े कोलंबो। और उसके बाद हम यहाँ पे एक सामने जूस शॉप थी, वहाँ पे हम जूस वगैरह पीने के लिए आ गए। तो ये प्राइस लिस्ट आप देख सकते हो, आपको अंदाज़ा रहेगा कि हाँ भाई कितना एक्सपेंसेस आ सकते हैं आपके खाने पीने में। इसी के साथ हमारा दूसरा दिन भी ख़त्म होता है मालदीव्स में। नेक्स्ट डे हमने ये होटल से चेकआउट कर दिया और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र इंक्लूडेड है, तो ये हमको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। हेलो, अभी हम एयरपोर्ट आ गए वापस से और अभी हम अपने काउंटर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा पैराडाइज का E10 काउंटर है, तो हम नहीं जा रहे अभी। हमने विला नॉटिका नाम का एक रिजॉर्ट बुक किया था जिसको पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट भी कहते हैं, तो हम उसके लिए निकल गए। विला नॉटिका रिजॉर्ट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हो। तो बेसिकली हम 2 दिन माले में रुके थे और 2 दिन रिजॉर्ट में रुके थे, तो हमारा मालदीव्स का टोटल ट्रिप 4 दिन का रहा। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन माले में ज़रूर रुकिए। अगर आप डायरेक्टली रिजॉर्ट में जाते हो तो आपको यहाँ का कल्चर और यहाँ का फूड वगैरह एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ रिजॉर्ट वगैरह रुक के चले जाओगे तो काफ़ी सुपरफिशियल एक्सपीरियंस रहेगा मेरे हिसाब से, तो आपको एक दिन तो यहाँ पर ज़रूर रुकना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।